नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, वो क्यों होती है, उसका क्या रीजन है। आज हम स्मोकिंग पे बात करेंगे कि स्मोकिंग की वजह से क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपका वेट बड़ा है, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ पेशेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन द इरेक्शन फॉर लॉन्गर टाइम। देयर कैन बी नंबर ऑफ इश्यूज, देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स बाई विच द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन बी इन द पर्सन। एक पेशेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, अगर आप ज्यादा दारू पीते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। दोस्तों, आजकल जो हमारा नौजवान है वो परेशान है। पहले से ही कोरोना चल रहा है, बहुत लोगों की नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो जब भी बेरोजगारी होती है तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, और जब डिप्रेशन होगा तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा खाना खाएंगे, वो ज़्यादा खाना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, वेट बढ़ता है। ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है, ऑलरेडी इतने लोग परेशान हैं, तो उससे क्या होता है, उससे स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो हार्मोन्स में प्रॉब्लम होगी। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये तीन ऐसे हार्मोन है, फीमेल हार्मोन्स, जो बढ़ते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वॉक करना है। 1 घंटा वॉक करो, 10 से 15 बादाम खाओ, 1 से 2 अखरोट खाओ, काली उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार, ब्रोकली हफ्ते में 2 बार खाओ। दोस्तों, वॉक करते रहो, वॉक बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा यहां पर एस्पेक्ट है स्मोकिंग का। बहुत सारे लोग जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। दोस्तों, स्मोकिंग बहुत हानिकारक है। जो ही आप सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है, जो ही आप कश मारते हो, उससे धुआं अंदर लंग्स में जाता है। लंग्स में हमारा जो ब्लड है, वो धुआं उस ब्लड के साथ मिक्सअप होता है, और जो ही वो मिक्सअप होगा, तो वो जो तार कोल होती है, जो स्मोक होता है, वो ब्लड में चला जाता है, और उसकी वजह से वो तार कोल जो है, जो तार है, वो जो काला काला धुआं है, वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। आप जब कश मारते हो, आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी के 5 से 10 मिनट कम कर रहे हो एक सिगरेट पीने से। दोस्तों, जो ही आपने सिगरेट पिया, आपके ब्लड सर्कुलेशन में धुआं चला जाता है। जो ही धुआं चला जाएगा, वो क्या करेगा, वो हर एक बॉडी के पार्ट में जाएगा, और ये धुआं जितनी भी हमारी वेसल्स हैं, उनको स्टेनोसिस करता है। मींस हमारी वेसल्स ऐसी होती हैं, उनको टाइट कर देता है, क्योंकि वेसल्स के जो बिल्कुल जो कवर है, उसमें लग जाता है स्मोक, ये धुआं उसको बंद कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन रुकती है। दोस्तों, जो पेनिस है, वो हमारा ऐसा पार्ट है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो वेसल्स हैं। आप जितना स्मोकिंग करोगे, उतना ज्यादा धुआं भरेगा उन वेसल्स में, उतनी ज्यादा वो वेसल्स ब्लॉक हो जाते। बाल से भी 10-15-20 गुना छोटी वेसल्स होती हैं, बहुत छोटा पैसेज होता है उनमें। दोस्तों, आप स्मोकिंग करोगे, वो तार कोल चला जाता रहेगा, ऐसा ऐसा करके ऐसा टाइम आएगा, आपको टोटल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंपोटेंसी होगी। क्या जवानी में आप ये चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है, सेक्स पार्टनर, वो आपसे दूर चला जाए? क्या आप चाहते हो कि आपकी बीबी आपको छोड़ के चली जाए? क्या आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे चली जाए? नहीं, किसी भी हालत में ऐसे नहीं। तो आपको क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहले एकदम से आप स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 5 साल से 10 साल से स्मोकिंग कर रहे हो,
तो आप एकदम से बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक तरीका है। अगर आप 20 सिगरेट पीते हैं तो उसको 10 पे लाओ, अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं तो 5 पे लाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ो। आप ये प्रण करो कि नहीं यार मेरे को इसको छोड़ना है, 5 से फिर 3 करो, फिर 3 से 2 करो, फिर खत्म। दोस्तों ये हो सकता है, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, वो कहते हैं साहब जब व्रत होते मैं तो सिगरेट नहीं पीता, जब नवरात्रों के व्रत होते जी मैं तो बिल्कुल सिगरेट दारू नहीं छोड़, मैंने तो बिल्कुल छोड़ देता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं पीता। मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आते हैं, वो कहते हैं साहब मैं तो बहुत स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन जब हमारे रोज़े होते हैं तो भाई साहब बिल्कुल नहीं पीना पीता हूँ मैं, मेरे को तो बिल्कुल वो मन करता कि मैं पीता ही नहीं। भाई क्यों, ऐसा कैसे, रमजान में आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन बाकी दिन करते हो, रीजन क्या है? व्रत में स्मोकिंग करते हो लेकिन बाकी दिन करते हैं, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपका यहां पर मनोबल कमजोर हो जाता है बाकी दिन। रमजान में आप ठोस लेते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं करनी स्मोकिंग, मेरे को रोजा रखना है, आपका विल पावर स्ट्रांग होता है और आप 100% स्मोकिंग नहीं करते, पूरा दिन आप व्रत रखते हो। सेम नवरात्रों में होता है, आप बोलते हो कि नहीं मेरे को स्मोकिंग नहीं करा, आप नहीं करते हो। तो भाई साहब यही प्रण, यही आप प्रॉमिस बाकी दिन भी तो कर सकते हो, बाकी दिन में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने दिमाग से सोचना है। आप अगर दिमाग से सोचोगे कि मेरे को स्मोकिंग को बंद करना है, मैं गारंटी देता हूं, डॉक्टर विनोद रानी गारंटी देता है कि आपकी लाइफ बढ़ेगी, इजी हो जाएगी, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, दोस्तों आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सिगरेट आपको अंदर से जलाता है, आपकी बॉडी को पनपने नहीं देता है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। चलो हार्ट अटैक आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदा मर गया कोई इशू नहीं, लेकिन ये ब्रेन हेमरेज करता है, ब्रेन हेमरेज में बहुत दिक्कतें होती हैं, अगर पैरालिसिस हो गया तो फिर और परेशानी। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है और अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए घंटी बज गई कि भाई मेरे को अब सिगरेट बंद करना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ हम प्रण करें, काट हम प्रण करें कि हम स्मोकिंग बंद करें। दोस्तों अगर आप मेरे को सुनना चाहते हैं, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 7687878787। ये पेशेंट एजुकेशन वीडियो है। आपको अगर कोई भी वीडियो आप चाहते हो कि डॉक्टर रैना आपके साथ आपके लिए बनाए, आप कमेंट पे लिखें, हम 100% क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट फोन करना चाहते हैं, आपके पास नंबर लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आप मेरे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे बेल आइकॉन है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए। कोई भी वीडियो जो हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत जल्दी 15 अगस्त आ रहा है और मेरे तमाम देशभक्तों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 15 अगस्त आ रहा है और हम चाहें कि हमारा देश उन्नति करे और हमारे जो नौजवान हैं वो खिले, खुश रहें और बीमारी से दूर रहें। जय हिंद।